वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैरीगोल्ड गेंदा के प्लांट को सीड से कैसे प्रोपेगेट करते हैं। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। हे गाइस, दिस इज आकाश एंड यू आर वॉचिंग द नेचुरल गार्डन। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू प्रोपेगेट मैरीगोल्ड, गेंदा के फूल को हम सीड से कैसे प्रोपेगेट करते हैं। अब जिसको नहीं पता है कि गेंदा के फूल का सीड हमें कहाँ मिलेगा, उसका बीज कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमको बड़ी आसानी से गेंदा के फूल मिल जाते हैं, जिनको हम कुछ दिन धूप में रख के या फिर कहीं पर भी अपने छाया में रख के उसको सुखा लेंगे। और जो इस टाइप से हमें मिलेगा ये सूखा हुआ फूल, ये इस गेंदे का सीड होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मैरीगोल्ड की पेटल्स के नीचे का जो ब्लैक पोर्शन होता है, यही मैरीगोल्ड का सीड होता है। इसको हम आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको प्रोपेगेट करते हैं। मैरीगोल्ड के सीड को प्रोपेगेट करने के लिए आपको एक कोई भी पॉट चाहिए होगा, या फिर आप इस टाइप की बास्केट भी ले सकते हैं। अगर शैलो कंटेनर हो या शैलो पॉट हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। और आपको चाहिए होगा एक इस टाइप का कोई भी कपड़ा, आप कॉटन बैग ले सकते हैं, जो कि हम मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हमें साथ में मिलता है, तो आप इस टाइप से उसका टुकड़ा ले सकते हैं। और आपको कुछ कोकोपीट चाहिए होगी। जिसको नहीं पता कि कोकोपीट क्या होता है, जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, उसके छिलकों से ये बनाया जाता है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप कोकोपीट की जगह पे सैंड का यूज कर सकते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन सैंड होती है, वाइट वाली या फिर ब्राउन वाली, आप उसका यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमने पॉट लिया है उस पर इस कॉटन बैग को इस टाइप से बिछा देंगे। अगर आप सैंड भी यूज करते हैं तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन कोकोपीट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत ही जल्दी सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। कोकोपीट में एरिएशन काफ़ी अच्छा होता है। आप एक मोटी सी लेयर बना के इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर दीजिए। उसके बाद हम जो मैरीगोल्ड के हमने फूल को सुखाया था उसके पेटल्स को तोड़ तोड़ के अलग अलग कर करके इस पर डालेंगे। ये मैंने मैरीगोल्ड के सीड्स को अलग अलग कर लिया है, इसके पेटल्स को अलग अलग कर लिया है। जो मैरीगोल्ड के पेटल्स होती है, इसके नीचे का जो ब्लैक पोर्शन होता है, वही हमारा मैरीगोल्ड का सीड होता है। अब हम इसको हल्के हल्के से कोकोपीट के ऊपर डाल देंगे। हल्के से इसको हम प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, एक हल्की सी लेयर कोकोपीट, या आपने अगर सैंड में इसको प्रोपेगेट करना चाहते हैं तो सैंड के ऊपर से एक लेयर और डाल देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो 7 से 8 दिनों में जो मैरीगोल्ड का सीड है वो जर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद हम स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर देंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस
हल्का सा मॉइस्ट हो जाए। अगर आप ज़्यादा गीला कर देंगे तो सीड्स सारे गल जाएंगे। अब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसको आप सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। लगभग 7 से 8 दिनों में मैरीगोल्ड के सीड्स जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसकी अपडेट वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा इसके अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।